Hey, what's up guys? कैसे हो? आई होप कि सारे के सारे मजे में होंगे भाई। आमिर खान की जो मूवी है उसको सर्टिफिकेट मिल गया एंड कुछ लेंथ निकल के आई है। देखो सवाल ये कि भाई मूवी की लेंथ बड़ी होने से फ्लॉप हो जाती है मूवी। मैं ये चीज़ नहीं मानता कि भाई मूवी की लेंथ बड़ी हो तो वही फ्लॉप हो जाती है। बहुत सारी मूवीज देखो एक्चुअली ना हमारे हिंदी ऑडियंस में क्या प्रॉब्लम है, सिर्फ ये जो लेंथ बड़ी होती है ना ये इशू सिर्फ हिंदी ऑडियंस को नजर आता है। मैं आपको समझाता हूँ। देखो साउथ की आप मूवी उठा के देख लो, आप नॉर्मल मूवीज भी होगी ना तो आप पुष्पा को लो, आप ट्रिपल आर को लो, आप KGF को लो, KGF चैप्टर 2 को लो, आप बाहुबली को लो, या फिर जितनी भी प्यार इंडिया मूवीज है ना जो फ्लॉप हुई है, या फिर बीस्ट को लो, या फिर सुपर डुपर हिट हुई है, या ब्लॉकबस्टर हुई है, आप जितनी भी मूवीज को उठा के देखोगे ना उनकी लेंथ आप देखो 2 घंटे 40 मिनट 45 मिनट भाई कुछ कुछ तो 2.5 मतलब 3 घंटे की इस तरीके की लेंथ होती है भाई। उनकी मूवी की नॉर्मल लेंथ भी है ना 2 घंटे 40 मिनट के प्लस ही होती है। फिर वो किसी भी सुपरस्टार की मूवी हो, फिर वो थालापति विजय की हो, फिर वो अल्लू अर्जुन की हो, फिर रॉकी भाई की हो, या फिर वो SS राजामौली सर की मूवी हो, या फिर किसी भी मूवी हो भाई, उनकी जो नॉर्मल लेंथ होती है ना भाई वो 2 घंटे 40 मिनट प्लस ही होती है। 2.5 घंटे की मूवी होती है, 3 घंटे टच करती है वो मूवी। एक्चुअली ये जो मूवी है ना ये साउथ की ऑडियंस को उनको भाई आदत है, उनको हैबिट है, वो लोग आराम से बैठ के देख सकते हैं, उनको कोई इशू नहीं आता 2 घंटे 40 मिनट 2 घंटे 45 मिनट 2 घंटे 50 मिनट। उनको भाई 3 घंटे से ऊपर भी बिठा के रखोगे ना तो उनको ये लेंथ वाला इशू नहीं आता। बट अगर हिंदी ऑडियंस की बात आती है ना तो भाई हिंदी ऑडियंस को भाई ये जो मूवी होती है ना बहुत बड़ी लगती है। वो लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं है कि भाई वो लोग इतना बैठे, मूवी कितनी भी अच्छी हो उनको भाई बोरिंग लगता है। आप कैसी भी मूवी देखो, मैंने वली माई के टाइम पे भी आपको बात किया था, जब अजीत सर की वली माई आई थी तब मैंने आपको बोला था एक्चुअली ये जो मूवी है ना साउथ में सुपर डुपर हिट है बट हिंदी ऑडियंस को ये बोरिंग इसलिए लग रही है बिकॉज इसकी लेंथ ज्यादा है। तो यहां पर जो हिंदी ऑडियंस है ना इनको भाई मैं पहले से बोल रहा हूं इनको ना सीट के ऊपर बैठने में ना गुदी गुदी होती है कि इतना टाइम बैठेगा कौन, क्योंकि यहां पर लोग ना मूवी देखने के लिए कम टाइम पास करने के लिए ज्यादा जाते हैं हिंदी सिनेमा में। बहुत कम मूवीज ऐसी होती है जो कि लोग ना मतलब मूवीज देखने के लिए इसलिए जाते हैं कि भाई चलो यार हमारे सुपरस्टार की मूवी आई उसको सपोर्ट करने के लिए जाएंगे, ऐसा बहुत कम होता है। लाइक अगर कोई बड़े सुपरस्टार की मूवी आ गई लाइक कोई शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, ढेर वो लोग जाते हैं कि भाई चलो यार बड़े सुपरस्टार की मूवी आई इसको एंजॉय करेंगे। बाकी यहां पर लोग अपनी आइटमों को लेकर जाते हो, थोड़ा सा पानी निकाल के घर पे आते तो भाई 1 घंटा बहुत होता है इन लोगों के लिए। डेट मीन्स मेरा मतलब यार बॉलीवुड की तरह मूवी की जो लेंथ होती है ना 1 घंटे 90 मिनट मतलब 2 घंटे भी मुश्किल से पार करते, 2 घंटे पार कर भी गए तो 10 मिनट 15 मिनट ऐसा कुछ लेंथ होता है इन लोगों का। तो इस वजह से ना यहाँ की ऑडियंस को आदत पड़ गई है। लास्ट इनफैक्ट आप सलमान खान की राधे और मोस्ट वांटेड बाय का लेंथ उठा के देखोगे ना तो यार 1 घंटे 40 मिनट की भी कुछ मूवी नहीं होगी। उसके बाद आप कितने सॉन्ग्स घुसा दो ऐसा लग रहा था कि भाई मतलब सीरियल देखने बैठा हूं मैं, मतलब इतनी कम लेंथ की मूवी बन रही है बॉलीवुड के अंदर। तो भाई साउथ की जो मूवी आती है ना लोगों को लेंथी लगती है। अब देखो लाल सिंह चड्ढा की जो मूवी का जो लेंथ निकल के आया है ना वो 2 घंटे 44 मिनट 40 सेकंड 50 सेकंड इसके आसपास है, मैं इनके 2.5 घंटे के आसपास की मूवी है। देखो मैं बिल्कुल भी नहीं मानता कि भाई मतलब अगर मूवी बड़ी है ना तो ये लेंथी होगी, मैं इस पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता। मूवी बड़ी है ना तो ये फ्लॉप हो जाएगी, इसको बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता बिकॉज ऐसी बहुत सी मूवी है जिसकी लेंथ ज्यादा है ना तो भाई मतलब उसको हमने इंजॉय किया है। यहां तक कि मैं तो KGF चैप्टर 2 में तो चाहता था 7-8 घंटे की मूवी है क्योंकि भाई उस मूवी को हम इंजॉय कर रहे थे और वहां पर किसी को भी गुदी गुदी नहीं हुआ था कि भाई मूवी की लेंथ बड़ी है। तो भाई देखो अब लाल सिंह चड्ढा उनके जो फैंस है, आमिर खान के जो फैंस है वो तो चाहेंगे मूवी जितनी बड़ी होगी ना उतना हम उनको अपने सुपरस्टार को देखने का मौका मिलेगा। बाकी देखो मेरे को पता है भाई देखो आमिर खान की मूवी है तो मूवी के अंदर बहुत सी चीजें ऐसी हैं। इनफैक्ट आमिर खान के इसमें कितने रोल देखने को मिल रहे हैं, वो बचपन में जब बड़े होते हैं तो एक रोल आप देखो वहां पर आमिर खान लग रहे हैं कि भाई मतलब 20 साल 25 साल, उसके बाद 35-40 की उम्र है, फिर उसके बाद और बड़े होते हैं फिर 40-45 फिर और बड़े होते हैं, मतलब यार कितने डिफरेंट डिफरेंट रोल प्ले किया आमिर खान ने इसके अंदर। तो भाई मतलब हर चीज को भाई मतलब अच्छी तरीके से बताना है ना, थोड़ा सा डीप में ले जाके बताना और लोगों को समझाना, वो जो मैसेज देना चाहते हैं वो मैसेज तक लोगों को पहुंचाना, तो भाई मतलब इतना टाइम तो मेरे हिसाब से सही है। मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि भाई बहुत कम टाइम है या फिर बहुत ज्यादा टाइम है, परफेक्ट टाइम जो भी निकल के आया ना मैं आपको बोलूंगा इट्स अमेजिंग फैंटास्टिक। ठीक है अब देखो मेरे को लगता है भाई टाइम से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मूवी लंबी हो या मूवी छोटी हो मूवी का कंटेंट बोलता है, मूवी का कंटेंट लोगों को अच्छा लगा तो डेफिनेटली लोग इस मूवी को देखने के लिए जाएंगे, आमिर खान को सपोर्ट मिलेगा, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो इसका बायकॉट चल रहा है, अब देखो यार मैं आपको पहले बोल रहा हूं, मैं आपको बहुत टाइम से बोल रहा हूं इसके बायकॉट से मेरा घंटा भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो मूवी देखने जाने वाला है ना भाई वो मूवी देखने के लिए जाएगा, पॉलिटिक्स वही लोग कर रहे हैं जिनका घंटा सिनेमा से कोई लेना देना है ही नहीं।
अभी देखो अक्षय कुमार का बाइकॉट हो रहा है, अक्षय कुमार का बाइकॉट इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको पता है OMG नाम का मूवी था, ओह माय गॉड, वहां पर अक्षय कुमार ने कैमियो रोल किया था। कैमियो रोल टाइप ही था कुछ, जितना कुछ उनका इंपॉर्टेंट रोल नहीं था, वहां पर परेश रावल मेन लीड रोल में थे। वहां पर किस तरीके से भगवान का जिन लोगों ने बेइज्जती किया या फिर ये किया वो किया, उन लोगों के हिसाब से बेइज्जती है उन लोगों की, भाई मेरे हिसाब से वो बेइज्जती नहीं थी, मेरे हिसाब से था कि भाई वो लोग ना कुछ बताना चाहते थे कि भाई मतलब वो लोग सिर्फ एंटरटेन करने का उनका मकसद था या फिर क्या था मेरे को नहीं पता, मैं इसमें बीच में नहीं बोलूंगा, वो लोग आप ही डिसाइड करो, मेरे को इसमें कुछ बोलना ही नहीं क्योंकि भाई इसमें ना ऐसा हो जाता ना कि भाई है ना फिर ये बोलते कि भाई तू तेरे भगवान के बारे में बोल, तेरे भगवान के बारे में बोलते, ऐसा हो जाता। तो भाई ये सब चीज में ना भाई अपन दूर रहे तभी भलाई है, क्योंकि भाई ऑडियंस का पता नहीं है कौन सी चीज कहां पे लेके चली जाती है। अब ओ माय गॉड में परेश रावल ने जो किया, अक्षय कुमार ने जो किया, डायरेक्टर ने जो किया, प्रोड्यूसर ने जो किया, राइटर्स ने जो किया, उसका गुस्सा अक्षय कुमार पे निकाल रहे। मेरा सिंपल सा कहने का मकसद ये होता है कि भाई मतलब गड़े हुए जो मुर्दे होते हैं ना कि भाई जो मर चुके उसको आप कब्र में से बाहर क्यों निकालते हो, मेरा मतलब यार इतने टाइम के बाद पीके को इतना टाइम हो गया, अब जाके आपको टाइम मिला कि अब हमको ट्रोल करना है, अब हमको बाइकॉट करना है। OMG के बाद अक्षय कुमार का कितना मूवी आया, तब आप लोग कहां थे, तब आप लोगों ने बाइकॉट क्यों नहीं किया? अभी तक आप लोग बाइकॉट कर रहे थे, अभी तक आप लोग मूवी नहीं देख रहे थे, वो इसलिए नहीं देख रहे थे क्योंकि आपको बॉलीवुड में इंटरेस्ट नहीं था, बाइकॉट बॉलीवुड चल रहा था। बट आज के टाइम पर सडनली वो चीज चेंज हो गई है, बाइकॉट अक्षय कुमार चल रहा है, बाइकॉट आमिर खान और बाइकॉट लाल सिंह चड्ढा चल रहा है। क्यों? क्योंकि भाई हिंदू कल्चर का ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया। भाई मेरे को नहीं समझ आता ये लोग, देखो पहली बात तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैं आपको पहले दिन से बता रहा हूं, लाल सिंह चड्ढा को आप जितना बाइकॉट करोगे ये मूवी उतना ही चलेगी, आप लिख के ले लो। मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो अब लाल सिंह चड्ढा का इतना भयंकर तरीके से बाइकॉट चल रहा है ना कि आप यूट्यूब उठा के देख लो, आप इंस्टाग्राम उठा के देख लो, आप ट्विटर उठा के देख लो, उसको छोड़ो आप टीवी चला लो भाई, उसका न्यूज चैनल चला के देख लो, हर जगह पे आपको वहां पर आमिर खान का नाम दिखेगा, उनकी मूवी लाल सिंह चड्ढा का नाम दिखेगा, प्लस वहां पर दिखाएगा कि लाल सिंह चड्ढा 11 अगस्त को रिलीज होने वाली है और उसका बाइकॉट चल रहा है। भाई इससे मूवी का मार्केटिंग हो रहा है, इससे आमिर खान का कुछ नहीं चल रहा है। आमिर खान ने तो बोल दिया भाई मेरी मूवी को सपोर्ट करो, ये करो वो करो, भाई अंदर से बंदा खुश हो रहा होगा, बिना पैसे लगाए मस्त प्रमोशन चल रहा है उसकी मूवी का, अमेजिंग फैंटास्टिक, क्योंकि भाई बच्चे से लेके बूढ़े से लेके जवान से लेके हर एक बंदे को पता चल रहा है कि भाई आमिर खान का मूवी आ रहा है। अब भाई देखो यहां पर जो आम इंसान होता है जिसका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, जिनका सोच रहना एकदम सिंपल होता है, उनको हिंदू मुस्लिम से कोई मतलब नहीं होता, उनको सिर्फ इतना चाहिए कि उनकी फैमिली को ना एंटरटेन होना है, उनकी फैमिली को मूवी देखना है, उनकी फैमिली को आमिर खान का मूवी देखना है, उनको चाहिए मनोरंजन, तो डेफिनेटली वो आमिर खान की मूवी देखने के लिए भी जाएगा, वो अक्षय कुमार की मूवी देखने के लिए भी जाएगा, उनको मेरा घंटा भी फर्क नहीं पड़ेगा कि बाइकॉट चल रहा है कि कोई की कुछ भी चल रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड इससे आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा को ही फायदा होगा। एंड मैं अभी से आपको बोल रहा हूं कि भाई लाल सिंह चड्ढा को आप जितना बाइकॉट करोगे उतना इस मूवी का प्रमोशन होगा और इतना ये मूवी चलेगा, तो आमिर खान के जो फैंस है ना वो इस चीज से भाई खुशियां मनाओ। मैं तो बोलता हूं आप लोग भी 3-4 पोस्टर चिपका दो आमिर खान बाइकॉट, लाल सिंह चड्ढा बाइकॉट, इससे प्रमोशन होगा और लोग और ज्यादा इस मूवी को देखने के लिए जाएंगे, मैं अभी से आपको लिख के दे रहा हूं। एंड बात करें रक्षाबंधन की, देखो रक्षाबंधन का बाइकॉट हो रहा है, थोड़ा सा लो लेवल में हो रहा है। अब मैं एक बात बताता हूं, रक्षाबंधन का बाइकॉट मेरे को समझ नहीं आ रहा है, एक्चुअली परेश रावल की वजह से हो रहा है, कुछ राइटर्स के कुछ ट्वीट की वजह से हो रहा है अक्षय कुमार का बाइकॉट। अब अक्षय कुमार का मैं एक बात बोलना चाहता हूं, उस बंदे ने अभी तक मूवी का प्रमोशन स्टार्ट नहीं किया, एंड एक मूवी है जिसका भाई इतना जोरों शोरों से बाइकॉट हो रहा है, इतना जोरों शोरों से प्रमोशन हुआ है, उस मूवी का इतना क्रेज बन चुका है, इतना बस बन चुका है, अब उस मूवी के सामने रक्षाबंधन का क्या आएगा मेरे को समझ आ नहीं रहा है। अक्षय कुमार को भी चाहिए आए और अपनी मूवी का प्रमोशन करे, अब देखते हैं क्या ही होता है, अक्षय कुमार को टाइम मिलता है नहीं मिलता है वो तो अब भगवान ही बताएंगे अक्षय कुमार को, या फिर मेरा मतलब है भगवान टाइम दे तो प्रमोशन करने के लिए आएंगे, बाकी उनको घंटा भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा मूवी के फ्लॉप होने से। बाकी देखो मैं तो एक ही बात बोलूंगा, आमिर खान की जो मूवी का रन टाइम है वो जबरदस्त है और जितना जोर शोर से बाइकॉट होगा ना उतना जोर शोर से इस मूवी का कलेक्शन बोलेगा, ये मैं अभी से आपको लिख के दे रहा हूं। एनीवेज वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा एंड लव यू।